15 जनवरी 2023, एक एयरक्राफ्ट 9NENC ATR-72 काठमांडू से पोखरा तक जाने की उड़ान भरती है और ये बीच में ही पोखरा के ठीक पास एक सेती नदी के पास क्रैश कर जाती है। इस क्रैश में लगभग 68 लोगों की जान चली जाती है। इस क्रैश के पीछे का रीज़न क्या था, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, नेपाल एक पहाड़ी इलाका वाला कंट्री है जहाँ पर आपको ज़्यादातर ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट और 14 में से 8 सबसे ऊंचे पहाड़ नेपाल में ही है। और ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में मौसम बहुत ही खराब होता है। इन पहाड़ों के बीच से प्लेन्स को उड़ाना बिल्कुल आसान नहीं होता है, जिसके कारण लोग दूर तक नहीं देख सकते हैं, जिसके कारण बहुत से प्लेन के हादसे होते रहते हैं। ठीक 15 जनवरी 2023 को एक प्लेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस प्लेन का नाम ATR-72 था और ये प्लेन येटी एयरलाइंस का था। इस प्लेन में 72 पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे। इस प्लेन में 37 मैन, 25 वोमेन, 3 चिल्ड्रेन और 3 बेबी के साथ 4 क्रू मेंबर ट्रैवल कर रहे थे। हर दिन की तरह ही 15 जनवरी 2023 को भी एक प्लेन काठमांडू से पोखरा तक उड़ान भरती है और ठीक सेती नदी के पास ये प्लेन क्रैश कर जाती है। इस क्रैश में 68 लोगों की जान चली जाती है। इस क्रैश के पीछे का रीज़न अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बहुत लोग इस क्रैश के पीछे का रीज़न मौसम को बता रहे हैं और बहुत लोग मान रहे हैं कि ये गलती टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हुआ है। लोगों के अकॉर्डिंग जब प्लेन टेक ऑफ कर चुकी थी तभी प्लेन में आग की लपटें देखी गई थी, जिसके कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ। रिसर्च के अकॉर्डिंग तारा एयरलाइंस और येटी एयरलाइंस ये दो बहुत ही खतरनाक एयरलाइंस है नेपाल की। इस एयरलाइन क्रैश के पहले भी बहुत से क्रैशेज हो चुके थे। साल 2022 में एक एयरलाइन क्रैश किया था जिसका नाम था तारा एयरलाइंस। इस क्रैश में लगभग 22 लोगों की मौत हो चुकी थी। और ठीक इससे 4 साल पहले यानी 2018 में भी एक एयरलाइन क्रैश किया था नेपाल में, जिसके कारण 51 लोगों की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, 2004 के बाद भी येटी एयरलाइंस के 4 सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश हुए हैं। इन क्रैशों में भी बहुत से लोगों की मौत हुई है। असल में येटी एयरलाइन तारा एयर के पेरेंट्स कंपनी है। येटी एयरलाइन और तारा एयर ये दोनों ही पहाड़ों के जोखिम भरे हिमालय एरिया में उड़ान भरती है। बहुत लोग मानते हैं कि नेपाल में एयरलाइंस को उड़ाना एक बहुत ही खतरनाक काम है। नेपाल को दुनिया की सबसे जोखिम भरा हवाई यात्रों वाला देश माना जाता है। इन पिछले 10 सालों में नेपाल में करीब 20 से भी ज़्यादा प्लेन क्रैशेस हुए हैं। यहाँ तक कि नेपाल के एक सिटी यानी लुकला सिटी में एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसे वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट माना जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि पहाड़ों के बीच से चट्टान को काट कर इस रनवे को बनाया गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक है और इसके आसपास प्लेन को उड़ाना बहुत ही खतरनाक भरा काम है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो है माउंटेन, क्योंकि नेपाल में बहुत से माउंटेन्स हैं जिसके कारण एयरप्लेन उड़ाना बहुत ही मुश्किल है वहाँ, और यही पहाड़ी इलाका नेपाल को जोखिम भरा बना देता है। दोस्तों, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन अपने कंट्री में नेपाली एयरलाइंस को बैन कर दिए हैं। इस रनवे में सिर्फ ट्रेंड पायलट को ही प्लेन्स को उड़ाने दिया जाता है, क्योंकि इस रनवे के एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई है। दोस्तों, नेपाल को एयरलाइंस के मामले में दुनिया का सबसे खतरनाक कंट्री कहा जाता है। दोस्तों, जिस एयरलाइन में ये हादसा हुआ ATR-72 प्लेन, इस प्लेन के ओनर येटी एयरलाइंस थे। दोस्तों, ये एयरलाइन पुराने हवाई अड्डे और नए हवाई अड्डे के बीच ठीक सेती नदी के किनारे ही क्रैश कर गया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एयरलाइंस पोखरा हवाई अड्डे पर उतरने से 10 सेकंड पहले ही क्रैश कर गया। ये प्लेन काठमांडू से उड़ान भरती आ रही थी और इसको पोखरा के पास जाना था, लेकिन ये पोखरा तक नहीं पहुंच पाया और 10 सेकंड पहले ही ये क्रैश कर गया। इस प्लेन क्रैश में बताया जा रहा कि 72 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कोई भी नहीं बच पाया, और बहुत से आर्टिकल बता रहे कि इसमें 68 लोगों की मौत हुई है। इस क्रैश में अभी तक लगभग 35 लोगों के बॉडी को ही आइडेंटिफाई किया गया है। अभी तक इस प्लेन क्रैश के पीछे का रीज़न किसी को नहीं पता चला है। बहुत लोग मान रहे हैं कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हुआ है और बहुत लोग मान रहे हैं कि ये मौसम के कारण हुआ है। इस प्लेन क्रैश में ना जाने कितने लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये न्यूज़ और भी लोगों तक पहुँचे, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट इस चैनल पर लगा सकें और आपके लिए कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकें।